मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस पुल से नदी में गिर गई। इस हादसे में खबर मिलने तक कुल 22 यात्रियों की मौत की जानकारी सामने आई है, तो वहीं 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा जिले के उन थाने के दसंगा के पास डोगर गांव पुल पर हुआ है। यात्रियों से भरी बस करीब 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। खबर के मुताबिक, आपको बता दें, मशारदा ट्रेवल्स की बस खरगोन से इंदौर जा रही थी। यह हादसा खरगोन टीकरी मार्ग पर हुआ है। बस नदी पर बने पुल से गुजर रही थी कि तभी बस एकाएक नीचे गिर गई। इसके बाद बहुत जोर की आवाज आई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। बस गिरने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। फिलहाल हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हमारे साथ शलन पराशर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शलन, जिस प्रकार से देखा जाए, हादसा बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से किस प्रकार से राहत बचाव कार्य जारी है और जो घायल हुए हैं उनका कहां इलाज हो रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम में फिलहाल कंडीशन किस प्रकार की है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद जो घायल और पीड़ित थे उनके लिए 50,000, घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, तो वहीं दूसरी 4 लाख मृतकों के लिए की। अभी संख्या जो आंकड़ा है वो 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी अभी घायल है और 35 से ज्यादा इस बस में सवार थे लोग। अगर हम दूसरी ओर पहलों की हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में बसों के हादसे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी इस बीच इसके पहले 2 महीने पहले सीधी और धार में भी बस हादसा हुआ, जिसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी थी। और अभी अगर तत्काल की हम बात करें तो लगातार छुटपुट घटनाएं कई जिलों से भी सामने आई, जहां विदिशा और ग्वालियर में बस हादसा हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ हताशा नहीं हुआ और बड़ी घटना ये खरगोन की आज सामने आई। बिल्कुल बड़ी घटना निकलकर सामने आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रशासनिक जानकारी जिस प्रकार से आ रही है, बताया जा रहा है कि इस पर जांच पड़ताल बैठाई गई है और जिस किसी की लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि जो पुल था उससे पहले ना कोई स्पीड ब्रेकर था और जो आसपास की ग्रिलिंग्स थी बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं होता था, तो प्रशासनिक लापरवाही इसमें निकल कर आ रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, बात से नकारा नहीं जा सकता, लगातार प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है और जब भी ऐसे कुछ बड़े हादसे मध्य प्रदेश में होते हैं तो तत्काल आरटीओ को निलंबित के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग होते हैं, फिटनेस के जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके पल्ला तो झाड़ लिया जाता है। लेकिन बड़े सवाल यह है कि लगातार बस हादसा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और लगातार जिस तरह सवाल भी मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की और एक आउटसोर्स कर्मचारियों के दम पर पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरी लचर व्यवस्था देखी जाती है तो सवाल के निशान पर खड़े भी होते हैं। और अगर इसमें बड़ी और बारीक जांच की हम बात करें तो स्थानीय जांच में स्थानीय अधिकारी एसडीएम ने यहाँ पर जांच की है कि बस के ड्राइवर की झपकी लग गई थी। लंबा सफर था, खरगोन से इंदौर बस जा रही थी और इस दौरान बस के ड्राइवर की झपकी लगना या उनके ऊपर जांच और जिसके बाद रेलिंग के बाद गिरना। अभी भी अगर वर्तमान समय हम बात करें तो अभी ड्राइवर का कोई भी अता पता नहीं है और अभी कुछ भी उसकी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। प्रशासन हालांकि जांच में जुटा हुआ है, सर्च अभियान के तहत ढूंढ भी रहा है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो जो स्थानीय लोग हैं और प्रशासन अमला है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो स्थानीय चिकित्सालय के माध्यम से जो पीड़ित लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल, और शरद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप बता रहे, राहत बचाव कार्य क्या पूरा हो चुका है कि अभी भी चल रहा है? देखिए, राहत विकास कार्य तो अभी जारी है, जिस तरह से जेसीबी के माध्यम से 50 फीट नीचे पुल से भोगदा जो पुल है तो यहाँ से 50 फीट नीचे ये बस गिरी है तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत व्यवस्था भी जारी है, स्थानीय लोगों का मशक्कत भी की जा रही है और चूंकि मामला सुबह का था, अभी तक काफी हद तक शवों को निकाल लिया जाएगा, मृतकों के लिए और घायलों के लिए भी निकाल लिया गया, लेकिन जांच पड़ताल भी अभी प्रशासनिक तौर पर जारी है। स्थानीय कलेक्टर और एसडीएम अमला, सुरक्षा एसपी मौके पर मौजूद है और लगातार जांच। शुक्रिया शलन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए।